नमस्कार। आज हम लोग जो है ये पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न पर स्टडी करने चल रहे हैं। जो ग्रोथ पैटर्न होता है ऑर्गेनिज्म में, अगर हम इसकी बात करें, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात किया था और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात किया था। आज हम लोग जो है बात करने चल रहे हैं ग्रोथ फॉर्म्स कि दो प्रकार का ग्रोथ पैटर्न किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है, किसी पॉपुलेशन का होता है, क्योंकि इस समय ग्रोथ पैटर्न हम पॉपुलेशन का पढ़ने चल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन की ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें आइए और जानते हैं कि ग्रोथ पैटर्न जो होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। बात करने चल रहे हैं ग्रोथ पैटर्न इन पॉपुलेशन। और ये दो तरीके का पैटर्न यहां पर हमें स्टडी करना है, एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक ग्रोथ इस तरह से दो हम स्टडी करेंगे और यहाँ पर दिखाए गए कर्व में अगर आप देखें तो ये दोनों फॉर्म दिखाए गए हैं। इनमें से पहला कर्व जो है दिस वन, इट इज लॉजिस्टिक, और ये जो दूसरा फॉर्म दिखाया गया है दिस वन इज एक्सपोनेंशियल। इस तरह से किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो दो तरह का होता है, इनमें से एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, इसको समझना है। इसमें कुछ टर्म्स आपके लिए नए होंगे, इसलिए क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच कम होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपको ग्रोथ पैटर्न दिखा रहे हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ उसमें होती है, और ऐसा तब होता है जबकि उसके लिए सारे जितने भी इसेंशियल जो है कंडीशंस होती हैं वो सारी फुलफिल अगर हो रही हैं, उसको बढ़िया सा एटमॉस्फेयर मिल रहा है, अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, फूड रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी पॉपुलेशन में दिन दूना रात चौगुना ग्रोथ होगी, एक से दो, दो से चार, चार से सोलह, सोलह से फिर आगे 256, इस प्रकार से वो स्क्वायर के फॉर्म में जो है ये ग्रोथ शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो जाती है, और डार्विन ने इसी को बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव अनलिमिटेड पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो इस प्रकार से अगर उनके सारे इसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, किसी भी प्रकार के किसी फैक्टर की कोई एडवर्स कंडीशन नहीं बन रही है, कोई क्राइसिस नहीं है खाने पीने की, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट करते हैं और बहुत जल्दी क्या होता है कि धरती पर उपलब्ध जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस प्रकार का जो कर्व यहाँ पर दिखाया गया है इसके एक एक्सिस पर हमने पॉपुलेशन डेंसिटी लिया है इन टर्म ऑफ नंबर, यहाँ पर एन दिखाया गया है, एन मीन्स द नंबर। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज़्यादा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी ज़्यादा मानी जाएगी, और इसके दूसरे एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, पर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई गई है। तो पहले वाले कर्व में जो कि जे शेप होता है, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करें, पहला जो इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ये कैसा है? इट इज जे शेप। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन में कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है, तो ये जे के आकार का होता है, राइट। क्योंकि बहुत कम समय में, देखिए आप बहुत ही कम समय में, और ये मैक्सिमम पर पहुंच गया, अपने पीक पर इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पहुंच गई है, बहुत ही कम समय में ये अपने मैक्सिमम पर पहुंच रहा है। तो इस प्रकार की ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है, और इसका जो ग्रोथ कर्व होता है दैट इज जे शेप, राइट। अब बात करेंगे दूसरे की। हाँ, यहाँ पर अगर हम इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो पिछले लेक्चर में हमने आपको आर वैल्यू बताया था, मालूम है ना? आर वैल्यू को हम क्या कह रहे थे? इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है ये, इंट्रिंसिक
और इसको हमने आपको निकाल के दिखाया था, बी माइनस डी मतलब बर्थ माइनस डेथ, जितने पैदा हुए हैं उसमें से जितने क्या नाम है डेथ हो रही है उसी पर्टिकुलर टाइम में, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आर आती है। और इक्वेशन को हमने आपको बताया था कि डी एन अपान डी टी, डी एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट है कि कितने इंडिविजुअल बढ़ गए पर यूनिट टाइम, इसको हमने आर इंटू टोटल जो पॉपुलेशन साइज है उससे मल्टीप्लाई करके निकाला था, राइट। अब इसी चीज़ को अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस चीज़ को टी एन टी, एन टी मतलब टी का मतलब क्या है, टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो पॉपुलेशन साइज है वो इनिशियल पॉपुलेशन साइज, एन जीरो का मतलब क्या है, एन जीरो का मतलब इनिशियल पॉपुलेशन साइज। जैसे मान लो कि अभी किसी भी एरिया में 10 ऑर्गेनिज्म हैं, 10 मेंबर हैं किसी भी स्पेसीज के, तो वो जो है एन जीरो माना जाएगा क्योंकि अभी हमने काउंट करना शुरू नहीं किया। अब जैसे हम काउंट करना शुरू करते हैं तो काउंट करते हैं और टी टाइम तक काउंट करते हैं, तो एन टी समय पर जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एन जीरो ई आर टी, आर टी इसकी पावर के फॉर्म में है, जहाँ पर ई नेचुरल लॉग होता है। इसका कैलकुलेशन आपको आ नहीं रहा होगा, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं नहीं, बायो के स्टूडेंट हैं, तो अधिकतम आपसे ये इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ई होता है उसकी पावर आर, और टी, आर यहाँ पर इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट है और टी जो है वो टाइम है, जितने टाइम पर आप पॉपुलेशन की ग्रोथ मेजर कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी एन अपान डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल लॉग ई को दिखा करके इसको, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन है एंड दिस वन इज द सिंपल फॉर्म, ठीक है। ये दोनों इसके इक्वेशन हैं, किसके, जब पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही हो, जहाँ पर सारे रिसोर्स लिमिटेड नहीं है बल्कि फुलफिल्ड हैं, कोई किसी प्रकार की क्राइसिस नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा इक्वेशन जो बन रहा है, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पर जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है इसमें क्या होता है कि एक फैक्टर यहाँ पर होता है के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर के जो है वो क्या है, के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया, जहाँ पर जिस एरिया में जिस क्लाइमेट में कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वहाँ पर जो के होता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप भले बहुत उछाल मारो और ग्रोथ करना चाहो, लेकिन आपको ना खाने को दिया जाए, आपको एक ऐसी जगह पर पहुँचा दिया गया जहाँ पर कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा और लिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर कौन होने जा रहा है, वो कैरिंग कैपेसिटी है, के, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो के जो होता है वो लिमिट करता है किसी भी पॉपुलेशन की अनलिमिटेड ग्रोथ को, कि अगर कोई ज़्यादा डिवाइड करना चाहे तो जो संतानें पैदा हो रही हैं उनको खाने पीने की कमी पड़ जाएगी उस एरिया में, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जिस क्लाइमेट में वो रहते हैं वहाँ पर खाने का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। वो कहेगा नहीं, हम इतनी संख्या को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम इतनी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्स उपलब्ध नहीं करा सकते, ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़ा है। तो कैरिंग कैपेसिटी ये हो जाती है अर्थव्यवस्था, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो अभी जनसंख्या नीति जो है बनाई जा रही है कि पॉपुलेशन को ग्रोथ को कम करना है, तो उसके लिए क्या करना है, सरकार कानून बना रही है कि भाई इतने लोगों को बैठा कर हम खाना नहीं खिला सकते, इतने लोगों को हम गैस की सब्सिडी नहीं दे सकते, इतने लोगों को हम निःशुल्क भोजन नहीं दे सकते। भोजन का अधिकार कानून बन चुका है ना, राइट टू फूड कानून पास हो चुका है कि देश में कोई भी अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, ये क्या कहते हैं, भोजन के अकाल से नहीं मरेगा बिना खाए, तो किसी को खाने की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज खरीद करके उसका भंडारण करती है कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको अनाज मुफ्त में देगी, भैया खाना खाओ, रोटी कम से कम खाओ, जिंदा रहो। लेकिन सरकार भी कहती है कि हमारे पास रिसोर्स एक निश्चित मात्रा में है, क्योंकि किसान को इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे उसको सब्सिडी देनी पड़ती है। पता लगे 15 रुपए का गेहूं अननेसेसरी 20 रुपए किलो खरीद रही है सरकार सब्सिडी देकर, क्यों, ताकि जो देश के गरीब लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनको निःशुल्क अनाज बांटा जा सके। अभी कोरोना पीरियड में आपको मालूम है कि दीपावली तक के लिए निःशुल्क राशन बांटने की व्यवस्था किया है सरकार ने, ये सारा कर दिया है, तो क्या चीज़ है। तो आप इस बात को समझिए कि खान पान जो है, रिसोर्सेज जो होते हैं, अगर वो लिमिटेड है तो उसी को कैरिंग कैपेसिटी कहा जाएगा, और वो किसी भी पॉपुलेशन के अनलिमिटेड ग्रोथ को कैरी नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती। तो जब सारी चीज़ें लिमिटेड हैं तो आप ये जो कैरिंग कैपेसिटी, इसके ऊपर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इन्होंने कह दिया कि साहब शुरुआत में तो धीमी गति से था, अब शुरुआत में धीमी गति से क्यों था, इसलिए था क्योंकि रिप्रोड्यूस करने वाले मेंबर्स कितने थे, 5, लेकिन भोजन की कोई कमी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी अपने मैक्सिमम पर रीच नहीं की है, तो ऐसी कठिन, भैया रिप्रोड्यूस करो, हमारे पास कोई कमी नहीं है।
तो पता लगा कि शुरुआत में तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शुरू होगी, लेकिन शुरुआत धीमी होगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि दो लोगों ने रिप्रोडक्शन शुरू किया, तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म कितने हैं? दो। और मान लो कि 5 मिनट के अंदर वो 4 में कन्वर्ट हो गए। अगर यहीं पर ये 20 रहे होते शुरू में, तो 5 मिनट के अंदर वो 40 हो जाते, जबकि 5 मिनट के अंदर 2 से 4 हो पाए, और नहीं तो वो 20 से 40 हो गए होते। ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत में नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कम होते हैं, इसीलिए इनकी जो ग्रोथ होती है थोड़ा लेट कर चलती है। यहाँ तक का पैटर्न अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल में भी वही आ रहा है, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इनको इसकी चिंता नहीं है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हैं, एवरीथिंग इज इन ऑप्टिमम रेंज। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से आने के बाद अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहा है, लेकिन इसके जैसा स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो धीरे धीरे आकर के ये, तो यहाँ पर जो है इसको लैग फेज कहा जाता है। दिस वन इज लैग फेज, दिस वन इज लॉग फेज, एंड दिस वन इज स्टेशनरी फेज। अब जो लैग फेज है ये थोड़ा स्लो स्पीड में चलता है, क्योंकि नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसर्स उस समय कम होते हैं। अब नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पर ना जाए। अब कैरिंग कैपेसिटी इसको रोक रही है कि अब इससे ज़्यादा पैदा करोगे तो हम खाना ही नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ग्रोथ यहाँ आ करके अब कांस्टेंट हो जाएगी, फिर एक निश्चित रफ्तार से ग्रोथ होगी। इसी को हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं, और ये लिमिटेड होता है। किस चीज़ के द्वारा लिमिट किया जाता है? तो इट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी दैट चेक्स द ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में अगर हम देखें तो ग्रोथ कर्व में यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ तक का इक्वेशन अगर आप देखें तो पहले जैसा है, लेकिन लास्ट में k माइनस n अपान k कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है, कह रहे कि ये कैरिंग कैपेसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलेंगे। सवाल आपसे पूछा जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कैसा होता है, आप बताएंगे सिग्मोइड होता है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, तो आप बोलेंगे जे शेप होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इज जे शेप एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज इट इज सिग्मोइड। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है, तो वो सिग्मोइड होता है, और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो जे के आकार का होता है। यहाँ पर आर वैल्यू, इसको आप ध्यान दीजिए, आर वैल्यू पर सवाल पूछे जाते हैं। आर का मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट होता है, अर्थात टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ इक्वल्स टू आर। अब अगर मान लेते हैं कि डेथ ज़्यादा है और बर्थ कम है, तो ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि देश की जनसंख्या कम होने लगेगी। भाई पैदावार से ज़्यादा मरने वालों की संख्या हो गई है, तो कुछ समय के बाद देश की पॉपुलेशन अचानक घट जाएगी। तो यहाँ पर आर वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी आर वैल्यू का अध्ययन किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न को जानने के लिए किया जाता है, अर्थात किसी के पॉपुलेशन की ग्रोथ पैटर्न जानने के लिए आर वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, राइट, आर वैल्यू। अब ये जो आर वैल्यू होती है, इस आधार पर अगर हम देखें तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जिनकी आर वैल्यू ज़्यादा होती है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनकी आर वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर 3 की आर वैल्यू आपको हमने नोट कराया, जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नॉर्वे रैट में एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, 0.015 है आर वैल्यू ग्रोथ रेट। मैन में 0.0205 है, और ये अकॉर्डिंग टू 1981 कंसेंसस ये है 1981 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन काउंट किया गया था, सेंसस। तो इस तरीके से 1981 की जनगणना के अनुसार ये आर की जो वैल्यू आ रही है वो 0.0205 है। हम अभी चर्चा इन तीनों पर करेंगे कि ये क्या है। आर वैल्यू पर अपने दिमाग में रखना है, डायग्राम यहाँ हटा देंगे और आर वैल्यू पर चर्चा करने चल रहे हैं। क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि ये है क्या, नोट कर लिया होगा ये सब।
अगर आप इवोल्यूशन पढ़े हो, इवोल्यूशन में डार्विनिज्म दिया गया है, डार्विनिज्म, लेमार्किज्म और ह्यूगो डिब्रीज का म्यूटेशन थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपने अपने अर्ली क्लास में पढ़ा जरूर होगा। हमारे पास तो पढ़ेंगे ही, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, राइट। तो बात कर रहे हैं हम डार्विन की। डार्विन ने ये कहा था पहली ही लाइन में, डार्विनिज्म क्या है, उन्होंने एक अपनी किताब लिखा था, नाम क्या था उसका, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन, किस वर्ष, 1869 में इन्होंने लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाई नेचुरल सेलेक्शन, और इवोल्यूशन को समझाया था कि इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या होती है। तो नेचुरल सेलेक्शन मेथड से इवोल्यूशन का इन्होंने डिटेल बताया था, और उसमें पहली लाइन उसने यही लिखा था, जो पहला फैक्ट उसने दिया था वो ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अनलिमिटेड पावर होती है, किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अनलिमिटेड डिज़ायर, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अनलिमिटेड डिज़ायर, ऑफ रिप्रोडक्शन, कह रहे हैं कि जो नेचुरल पॉपुलेशंस किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती हैं, मनुष्य को छोड़कर सारी पॉपुलेशन नेचुरल पॉपुलेशन मानी जाती हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो अपने लिए तमाम नए नए नियम बनाता है। लेकिन जो बर्ड पॉपुलेशन है, डॉग्स में है, इनमें सब में इस बात का डर नहीं है खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान पैदा करना है, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चा कपड़ा पहनेगा कि नहीं पहनेगा, उसको स्कूल भेजने की कोई चिंता नहीं है, उसको जॉब नहीं चाहिए, चाहिए कबूतर के बच्चे को जॉब चाहिए, स्कूल में एडमिशन कराना है फैजाबाद पब्लिक स्कूल में, हैं पैसा लाना है उसके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए, ये सब ध्यान होता है जानवरों में नहीं, ह्यूमन में इसकी चिंता है। मनुष्य सिविलाइज्ड होता है, हमें अपनी चिंता है कि हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा अच्छी रेस की हो, लेकिन क्या जानवरों में इस प्रकार का सेंस होता है, नहीं। तो मनुष्य को छोड़कर सारी पॉपुलेशन को नेचुरल पॉपुलेशन बोला जा रहा है, राइट। तो डार्विन का ये जो नियम है वो नेचुरल पॉपुलेशंस के लिए है, उसने ये कहा है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अनलिमिटेड डिज़ायर ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर वो सेक्सुअली मेच्योर है तो रिप्रोडक्शन की उसमें अनलिमिटेड डिज़ायर होती है। प्रश्न ये है कि क्या ये अनलिमिटेड डिज़ायर से उसका अनलिमिटेड नंबर भी पॉपुलेशन में हो जाता है क्या, तो कह रहे हैं नहीं, बिकॉज नेचर हैज़ ऑटोमेटिक की टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी पॉपुलेशन की संख्या असीमित अगर होने लगेगी तो प्रकृति उसको बैलेंस करने का काम करती है। इसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस ऑर्गेनिज्म में आर वैल्यू ज़्यादा है उसमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है। मतलब ये हो गया, कह रहे कि डिज़ायर ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये हो गया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सब में रिप्रोडक्शन की अनलिमिटेड डिज़ायर होती है, और इस प्रकार से इवोल्यूशन जो हो रहा है, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है, इवोल्यूशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी फिटनेस को अचीव करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था, ज़्यादा पैदा हो गए तो भोजन के लिए संघर्ष हुआ, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, कंपटीशन के दौरान जो सबसे अच्छे हुए, जो फिट थे, वही सर्वाइव किए, और इसी को उसने क्या कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ऑर्गेनिज्म की जब संख्या बढ़ गई तो आप रिप्रोडक्शन तो असीमित कर सकते हैं, लेकिन नेचर में जो नेचुरल रिसोर्स है वो असीमित नहीं है, वो लिमिटेड रूप में है, और उसी का दोहन करना है, तो आप ज़्यादा संख्या में पैदा कर लेंगे संतानें तो वो सब नेचर का असीमित दोहन करेंगे, तो फिर शुरू हो जाएगा कि उस नेचुरल रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए
जो स्पेसीज हैं उनमें कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर इनमें संघर्ष होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करेंगे, और इनमें जो इस लड़ाई में जो सुपर फिट होंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे जीत कर, और जो हारेंगे वो इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। ठीक है, जो हारेंगे इस दुनिया से विदा हो जाएंगे।